चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई। लालू यादव की हालत स्थिर बताई जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका हालचाल जानने रिम्स पहुंचे। खबरों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के फेफड़े में इन्फेक्शन के चलते उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। आनंद फानंद में डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट किया लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई। वहीं रिम्स डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद का कहना है कि लालू की हालत अब स्थिर है, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं देना शुरू कर दिया गया है, उनकी एक्सरे और अन्य जांचें करा ली गई हैं। आपको बता दें कि लालू को जेल में 3 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ा। वे लगभग 2.5 साल से रिम्स में इलाज करवा रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।